पेड़ पालने के लिए सब कुछ करना पड़ता है, ठीक है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट आना नवीद और आज देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, कितने दिनों से मैं एक एक्टिविटी में लगा हुआ था, आज एक्टिविटी मेरी कामयाब भी हो गई है। यहाँ पर ख्वाजा सराओं ने रोड्स में, गली मोहल्लों में अपने डेरे बना लिए और जो खराफात है वो कर रहे हैं, उनको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई वाली वारस नहीं है। आइए नाज़रीन, हम आपको लेके चलते हैं, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम, क्या है? बात तो सुने और जनाब मेरी बात तो इधर तो आए और मेरी बात सुने, इधर आए, इधर आए। क्या हाल है? ठीक हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? अंजलि। अंजलि, क्या कर रही हो तुम यहाँ पे? मैं अपना काम कर रही हूँ। मैंने खुद तुम्हें देखा है, दो तीन दिन से मैं तुम्हें यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, तुम यहाँ पर बड़े अजीबो गरीब काम कर रही हो। जो मर्जी करूँ आपको क्या है? नहीं, ये तो कोई बात नहीं हुई, मसला है ये हमारा मुल्क है, इसमें ये क्या ऐसे आप खराफाती काम कर रही हो? तुम मेरी मर्जी है ना, मैं जो मर्जी करूँ। अच्छा चलो छोड़ो, ये तो तुम्हारी मर्जी है, मुझे बताओ क्यों कर रही हो ये? वैसे ही जरूरत है पैसों की। तो पैसों की जरूरत से यही काम करना है सिर्फ? हाँ, जो किसी को अच्छा लगे। तुम्हें कोई खुदा खौफ है कि नहीं है? तुम यहाँ पर एक चौक में खड़ी हुई हो और तुम ये सारे के सारे काम कर रही हो, तुम्हें ये काम जेब देते हैं? हाँ देते हैं, तो किया ना मैंने। अच्छा कहाँ की रहने वाली हो तुम? मैं इस्लामाबाद की। क्या तुम्हारे माँ बाप ने निकाल दिए? हाँ। क्यों? उनको अच्छा नहीं लगा था इसलिए। तुम फिर यहाँ पर आके ये काम करना शुरू हो गए? हाँ। तुम कुछ पढ़ भी तो सकती थी। तब कुछ कर सकती, पर मेरी लाइफ में अपनी मर्जी जीना चाहती हूँ, ठीक है, अपनी लाइफ। नाज़रीन, आपने ये देखा कि इनके लव्स के इनको शर्मिंदगी नहीं है, ये जो बातें कर रही है वो बातें कर रही है कि मेरी मर्जी, मैं जो चाहूँ करूँ, और यहाँ पर जो इंतजामिया, यहाँ की जो पुलिस है वो भी इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही है, वो भी कुछ नहीं कर पा रही, वो भी इसकी रोकथाम के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। ट्रांसजेंडर जो है ये हमारे पाकिस्तान का एक अहम हिस्सा है, लेकिन इनका कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा मुझे ये बताओ कि गुजर बसर कैसे हो रहा है? बस ठीक है, हो रहा है। क्यों, आपको क्यों बताऊं? यार बता दो मुझे क्या हो गया। क्यों, आप कितनी तरह से आ रहती हो, आप बताती हो मुझे। अच्छा ये बताओ, जो तुम्हारा जो कोई कस्टमर है जो यहाँ पर आता है, उससे कितने पैसे ले लेते? मैं ले लेती हूँ, कितने भी ले लूँ छोड़ो सब। फिर भी 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 400 मैं पागल हूँ। फिर मैं इतने लेती हूँ। तो फिर क्या तुम 1000 रुपए लेती हो? हाँ 1000 रुपए लेती हूँ, 1000, 1500। अच्छा क्या क्या करती हो 1000 रुपए लेके? जो करते हैं वही करते। क्या करते हो बताओ? क्यों बताऊं? थोड़ा सा बताओ। नहीं बताती नहीं हूँ। ये 500 हजार दे देते हैं तुम्हें? हाँ देते हैं, आपस दूर करने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। क्या कुछ करते हैं? बहुत कुछ करते हैं। फिर भी कुछ बताओ तो सही। हम मिलते हैं, चले जाते हैं मिलकर। तो ये यहाँ पर कोई गुजरते गुजरते कोई छेड़छाड़ नहीं करता? करते हैं, आगे से कभी पीछे से कभी कुछ से, सब कुछ करते हैं। अच्छा तो तुम्हें ये करते हुए शर्म नहीं आती? तुम्हें जैसे ये बता रही हो, तुम्हारा अंदर जमीर तुम्हें मलामत नहीं करता? मलामत करता है, तो पेड़ पालने के लिए सब कुछ करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, खामोश हो। और ये है कि मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है कि ये जो लोग हैं ये हमारे मुल्क का एक सरमाया है, ट्रांसजेंडर जितने भी हैं, शीमेल हजरात जितने भी हैं, जिनको हम ख्वाजा सरा कहते हैं, बेचारे अपनी आप से बहुत ज़्यादा परेशान। इनको इनके घर वाले, इनको इनके माँ बाप एक्सेप्ट नहीं करते, इनको माशरा एक्सेप्ट नहीं करता। हमारे पास और बहुत से जरिए हैं अपनी हविस को पूरे करने के लिए, सिर्फ यही नहीं है। खुदारा इनको तो छोड़ दो, इनका कुछ ख्याल करो। ये बेचारे दर दर फिरते हैं, दर दर ठोकरे खा रहे हैं, इनका कुछ थोड़ा सा तो ख्याल करो आप। तो नाज़रीन, आपने सुना इनके हालात जाने, इनकी मुश्किलों को जाना। मेरी आप तमाम लोगों से ही गुजारिश है कि इनका बहुत सारा ख्याल रखें। मैंने बचपन में सुना था कि इनकी जो दुआएं हैं वो आसमान को चीरती हुई ऊपर चली जाती हैं, इनकी दुआएं कबूल हो जाती हैं।
इनका बहुत सारा ख्याल रखें। ये हमारे माशरे का एक बहुत खूबसूरत हिस्सा है। अपने मेज़बान राना नबीद को इजाज़त दीजिए, इस उम्मीद के साथ कि आप अपना बहुत सारा ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़ उनासी।